अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज जमान ला। आप देख रहे हैं गौरव अकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है, लास्ट टॉपिक है हमारा फंजाई का, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। तो फंजाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे। अच्छा, इंपॉर्टेंस में तो पहली बात तो आती क्या है कि इंपॉर्टेंस में जो है हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकती है और नुकसानकार भी हो सकती है। ठीक है, तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जिसको हम कहते हैं तो आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए पहली बात तो फूड के तौर पर काम करती है, एज अ डिकम्पोजर्स के तौर पर काम करती है। प्लांट्स और एनिमल्स की जो है पैथोजन भी होती है, प्रोड्यूस करती है। एंटीबायोटिक्स है जो हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही यूजफुल होती है हमारे लिए। ठीक है, लिकेंस कहें या लिकेंस कहें, ये हमारे जो है इनमें एफिशिएंसी होती है एब्जॉर्ब करने के मिनरल्स की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं न्यूट्रिशन साइकिल के लिए हमारे लिए। इनकी जो एफिशिएंसी हमारे लिए सेंसिटिव जो है पॉल्यूशन से रिलेटेड होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आती है कि ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फंजाई। फंजाई हमारे जो है एडिबल मशरूम है। ठीक है, मशरूम हमारी एक मिसाल है जिसको हम कॉमनली मशरूम ही कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है सोर्स है डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स की। इसमें प्रोटीन्स होती हैं, विटामिन्स होती हैं और मिनरल्स होते हैं। एग्जांपल हमारे पास आती है एगरिकस बिस्पोरस। ठीक है, पेडिस्टेरिन मशरूम या ओइस्टर जिसको कहें, और ओइस्टर मशरूम है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी इंपॉर्टेंस में आते हैं कि हमारे पास जो है फंजाई वाइटल रोल वाइटल होते हैं किस चीज़ के लिए, रेंज ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब किसी भी चीज़ को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे कि हमारे पास सोयाबीन्स हैं। ठीक है, ये फर्मेंटेड होते हैं हमारे एक एस्परजीलस ओरेजा ओरेजा, ये हमारे लिए सोया सॉस बनाते हैं। ठीक है, फंजाई जो है हमारा पार्ट अदा करता है किसमें, चीज़ बनाने में। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ठीक है, ये हमारे जो है फंजाई की टाइप है जो हमारे लिए फर्मेंटेशन करवाती है। उसके साथ साथ जो है फर्मेंट करते हैं किसको, जो है शुगर को अल्कोहल में, और हमारे लिए जो है ये जेनेटिक रिसर्च में वगैरह भी हेल्प आउट करवाते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जो है ये हमारे पास फंजाई जो है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, और एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे जो है कमर्शियली वाइन्स वगैरह बनाने में। ठीक है, वाइन्स वगैरह बनाने में और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज करवाने में भी हेल्प आउट करवाते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जो है ये बायोटेक्नोलॉजी में हमारे लिए जो है हेल्प आउट करवाती है इंसुलिन के अंदर। इंसुलिन जीन जो है इनके अंदर जो है स्प्लाइस किया गया है जीनोम में बेकर्स ईस्ट के अंदर। और सैक्रोमाइसिस जो है हमारे पास जिसको हम कह रहे हैं सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ठीक है, ये जो है इंसुलिन हमारे लिए जो है इसके थ्रू बनाई जाती है, इसके थ्रू एग्रीकस बिस्पोरस के थ्रू कमर्शियली ग्रो की जाती है स्पीशीज ऑफ फंजाई के अंदर। फूड स्पॉइलेज करवाती हैं, मतलब कि अब इसकी नुकसानकार जो है हमारे लिए क्या है। तो ये फंजाई हमारे लिए सेप्रोफाइटिक होते हैं, काज करते हैं हमारे नुकसान पहुँचाते हैं हमारी बहुत ही ज़्यादा गिजा को, और उसके साथ साथ बहुत से टोडस्टूल जो मतलब के मौतमार होते हैं फंजाई। ये पॉइजनस प्रोड्यूस करते हैं, अल्कलाइड्स जो इफेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन के ऊपर, या हम कहें कि नर्वस सिस्टम के ऊपर कहें। पैथोजेनिक जो हमारे फंजाई ये ह्यूमन और एनिमल्स में डिजीज काज करते हैं। इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनिमल के अंदर डिजीज होती है वो होती है रिंगवॉर्म डिजीज। ठीक है, एथलीट्स फुट और स्किन डिजीज जो हमारे पास होती हैं, तो ये कौन करवाता है, ये आपका फंजाई करवाता है। ठीक है, एलर्जी प्रोड्यूस करवाता है, रिस्पॉन्स करता है सेंसिटिव पीपल्स के अंदर। और ये जो है हमारे पास सिस्टोप्लाज्मोलाइसिस, ये एक सीरियस इन्फेक्शन है जो बेसिकली लंग्स के अंदर होता है, जो स्पोर अगर किसी फंजाई के हमारे बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर आ जाते हैं ब्रीदिंग सिस्टम के थ्रू या रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। तो उसके अलावा ये जो है हमारे पास जो है सिस्टमेटिक इन्फेक्शस बोन टिश्यूज में काज करता है, और कुछ हमारे जो एनरोबिक फंजाई जो होते हैं वो फेटल लंग्स डिजीज काज करते हैं। उसके बाद हमारे पास कैंडिडिया, उसके बाद हमारे पास जो आती है जिसको हम कहते हैं कैंडिडा अल्बिकेनस। अल्बिकेनस जो है हमारे पास ये काज होती है ओरल और वेजिनल थ्रश हो जाता है, मतलब कि निशानात आ जाते हैं हमारी माउथ के अंदर और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वेजिनल फीमेल का उसके ऊपर। एस्परजीलस जो है एस्परजीलोसिस, ये हमारी जो है डिजीज़ है जो एयर लंग्स से रिलेटेड होती है। उसके अलावा मोनीलियासिस है, ये स्किन माउथ गम्स वगैरह आ जाते हैं हमारे बॉडी के ऊपर। ठीक है, माउथ के अंदर इसके ऊपर। और नेक्स्ट हमारे पास जो है फंगस जो है काज करता है टोडस्टूल जो कंटेन करते हैं पॉइजनस अल्कलाइड्स जो इफेक्ट करते हैं ह्यूमन के नर्वस सिस्टम के ऊपर। ठीक है,
प्लांट्स के अंदर जो है हमारे पास जो डिजीज आती हैं, ये हमारे पास जो है डिस्ट्रॉय कर देता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स को, फ्रूट्स को, जैसे गंदम वगैरह हो गई, क्या करता है डाउनी पाउडरी इसको बना देता है, जैसा कि एप्पल के ऊपर ग्रो करता है, ग्रेप्स के ऊपर, चेरीज के ऊपर और रोजेस के ऊपर। अच्छा, उसके साथ साथ ये जो है हमारी बहुत सारी जो अनाज होती है, सीरियल्स अनाज वगैरह को कहा जाता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास गंदम आ गई या मकई आ गई, इसके ऊपर जो है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है हमें, रस्ट और समस्ट डिजीज काज करती है, मतलब कि ये इसकी जो गिजा वगैरह होगी उसको तोड़ देंगे। उसके अलावा ये डिकम्पोजर्स के तौर पर काम करते हैं, तो डिकम्पोजर्स बन जाए मीन्स के जो हमारे इको सिस्टम के अंदर जो अगर कोई जानदार वगैरह मर जाता है तो उसको जो है अगेन रिसाइकिल करवाते हैं तोड़कर, ठीक है, फास्फेट और सल्फाइट में जो अगेन प्लांट्स लेते हैं। उसके बाद जो है ये स्पॉयलेज करवाते हैं, स्पॉयलेज में हमारे पास जो है ये लीदर वगैरह जो होती है हमारी, ठीक है, चमड़ा, वोल, बुक्स, टिम्बर, कॉटन, उनके ऊपर अटैक करके उनको तबाह कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आती है इसकी वो है एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे फंजाई की जो है एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, तो इसमें से हमारे पास जो मोस्ट कॉमन जो एंटीबायोटिक्स है वो आपके पास है पेनिसिलिन है, ठीक है, क्लोरोमाइसिन है और नियोमाइसिन है और टेरामाइसिन है, ये सारी हमारी जो है फंजाई में से ग्रो करती हैं, ठीक है, जो बहुत ही इफेक्टिव होती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया के खिलाफ। ये हमारे पास जो है डैप्थेरा, डैप्थेरा हमारे पास एक डिजीज होती है, नमूनिया होता है, मेनिंग्स सेफलिस होती है और गोनोरिया, गोनोरिया जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर हो जाती है और डैप्थेरा भी हमारी जो लेयर वगैरह आ जाती है हमारी जो है माउथ के अंदर, उसके ऊपर जो है नमूनिया, लंग्स से रिलेटेड मेनिंग्स हमारे जो है ब्रेन के अंदर जो है मेम्ब्रेन होती है उनके ऊपर स्वेलिन हो जाती है। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये क्या करते हैं कि वीड्स और पेस्ट होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं, सॉइल फंजाई की वजह से जो है नेमाटोड्स को ट्रैप करते हैं, ठीक है, रिंग साइफा के थ्रू, और ये प्रीडेटरी जो होते हैं फंजाई ये रिड्यूस करवाते हैं हमारे पास जो है सेवर्टी ऑफ प्लांट्स की जो डिजीज काज करते हैं नेमाटोडा, ठीक है, उनसे बचाने में हेल्प करते हैं फंजाई और बायोटेक्नोलॉजी। फंजाई हमारे जो है यूकेरियोट्स हैं, ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी में जो है इनको रिसर्च और एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फंजाई के बाद जो है पोटेंशियली होती है इंजीनियर हो सके, इंजीनियरिंग के थ्रू इसको बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है इस्तेमाल किया जाता है, उनके जो बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स। फंजाई जो है इनके पास एबिलिटी होती है कि कन्वर्ट करें लो वैल्यू वेस्ट को यूजफुल कंपाउंड्स में, मतलब कि अगर कोई मतलब कि लो वैल्यू वाली है तो उसको यूजफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, जैसा कि विटामिन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए और एंटीबायोटिक्स हो गई, ठीक है। तो जेनेटिक रिसर्च में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमारे पास न्यूरोस्पोरोफोरा है, न्यूरोस्पोरा है कॉमनली जो है इसको ऑरेंज ब्रेड कहा जाता है, मोल्ड और यीस्ट ये यूज किए जाते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजम यूकेरियोटिक के अंदर जेनेटिक रिसर्च में, इनके अंदर जो है जेनेटिक रिकम्बिनेशन और जेनेटिक रेगुलेशन की वजह से ये म्यूचुअलिज्म करवाते हैं, मतलब के दो जानदारों के साथ दो के दूसरे के साथ रहते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है ये इंटरमिनेट होते हैं, आफ्टर इंटरडिपेंडेंट होते हैं दूसरे के ऊपर रिलेशनशिप में, और ये एक दूसरे के ऊपर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हमारे पास कॉमन जो मिसाल आती है लिकेंस की आती है, जिसमें फंजाई और अल्जाई ग्रो करते हैं, ठीक है, तो फंजाई उसमें से उसको प्रोटेक्ट करता है और अल्जाई इसमें से गिजा वगैरह प्रोवाइड करता रहता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये डिकम्पोजर्स भी होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल में, माइकोराइजा है, ये फंजाई हैं जो हेल्प करते हैं डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन में फास्फोरस, जिंक और सल्फर, कॉपर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जमीन से प्लांट्स की रूट्स के लिए, प्लांट्स के लिए, वेस्कुलर प्लांट्स के लिए जो ग्रो करते हैं ताकि वो बेहतरी से ग्रो कर सकें एसोसिएशन में। अच्छा, इसके बाद लिकेंस आती हैं, लिकेंस म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस है, मतलब कि सिम्बायोसिस एक एसोसिएशन होती है जिसमें दो जानदार मिलकर रहते हैं दोनों को फायदा हो। ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ग्रीन एल्गे, ठीक है, उनको या साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलकर रहते हैं जिसमें जो है ये क्या करते हैं कि फंगल जो हाइफाई होता है ये प्रोटेक्ट करता है एल्गे को, एल्गे पार्टनर को, और स्ट्रॉन्ग लाइट से और डेसिकेशन से, और ये उसमें से गिजा हासिल करता है, क्या करता है उसमें से गिजा हासिल करता है, और ये ज़्यादातर जो है इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होता है, बायो के इंडिकेटर्स होते हैं एयर पॉल्यूशन के लिए, मतलब कि ये जहाँ पे ग्रो होंगे तो वहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह होगा इन्वायरमेंट हमारा।